हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रेस्टीज कास्ट आयरन फ्राई पैन और हम करेंगे अनबॉक्सिंग, सीजनिंग एंड छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन करके देखेंगे कि ये कितना यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, पैकेज ओपन करके देखते हैं व्हाट कम्स इनसाइड दिस पैकेट। एंड देखिए, ये प्रोडक्ट इस तरीके से डिलीवर होता है। पैकिंग मटेरियल हटाने के बाद इस तरीके से ये पैन निकलता है, बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया है। और इसके साथ हमें ये मिलता है यूज़ एंड केयर मैनुअल। इसमें कैसे हमें ये यूज़ करना है, इसका कैसे मेंटेनेंस होगा, इस फ्राई पैन के साथ कितने साइज़ के और फ्राई पैन आते हैं, तवा आता है, ये सब इसमें दिया रहता है। सो फ्रेंड्स, ये एक फ्राई पैन है जिसे हम स्केलेट भी बोल सकते हैं। ये कास्ट आयरन का बना है, 100% कास्ट आयरन का बना है। ये कास्ट आयरन एक तरीके से एलॉय होता है, बट इसमें जो अपर सरफेस है उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, कोई भी नॉनस्टिक कोटिंग नहीं होती है। इवन देन ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, नेचुरली हेल्दी होता है। इस फ्राई पैन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये गैस या फिर आप इंडक्शन प्लेट या सिरेमिक प्लेट या किसी भी तरीके के हीटिंग टूल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके डिज़ाइन में ये ग्रूव्स देके इसमें से पोरिंग भी बहुत इजी हो जाती है। चाहे आप लेफ़्ट हैंड से यूज़ करें या राइट हैंड से यूज़ करें, इसमें दोनों तरफ ग्रूव दिए हैं जिससे कि आप इसमें से कोई भी सामान निकाल सकते हैं ईजीली। हैंडल के दूसरी तरफ एक छोटा सा हैंडल दिया गया है जिससे कि आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है इसको यूज़ करने में, क्योंकि कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स थोड़े से भारी होते हैं, तो एक यूज़फुल एडिशन है इस प्रोडक्ट का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी स्क्रू, नट, बोल्ट या फिर कोई भी जॉइनिंग पार्ट होता है वो नहीं है। ये एक सिंगल पीस में बना हुआ बर्तन है। तो जो हमें प्रॉब्लम होती है फ्राइंग पैन्स में कि हैंडल निकल गया या स्क्रू के साइड्स में थोड़ी सी गंदगी लगी रहती है, ये सारी प्रॉब्लम इस स्केलेट में हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर साइज़ की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर का स्केलेट है। इसके साथ ही इसमें एक 20 सेंटीमीटर का भी स्केलेट आता है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वो चूज़ कर सकते हैं। कास्ट आयरन के स्केलेट जनरली सारे ही हीट सोर्सेज से कंपैटिबल होते हैं, बट इनमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि आप चाहें तो इन्हें गैस पे यूज़ करें या फिर आप इलेक्ट्रिक प्लेट पे यूज़ करें, ये इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देगा। कास्ट आयरन कुकवेयर थोड़े भारी ही होते हैं, इसका वेट भी राउंड अबाउट 2.5 kg है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये काफ़ी हैवी गेज का स्किलेट है, यानी कि ये कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स आपके जनरेशंस तक लास्ट करते हैं। आप एक बार ले लीजिए एंड फिर आपको ईयर्स तक इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और सालों तक आपका खाना एक सा ही बनेगा। चलिए अनबॉक्सिंग के बाद कैसे इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करना है वो देखते हैं। जैसे आप किसी भी नए बर्तन को यूज़ करने से पहले उसे अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, इसे भी आपने अच्छे से वॉश करना है। बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए हमें कास्ट आयरन को वॉश करने के लिए, स्पेशली वो कास्ट आयरन पैन जो हमें प्री सीज़न मिलते हैं। जैसे कि ये प्रेस्टीज का कास्ट आयरन पैन जो हमें प्री सीज़न मिलता है, हम बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से इसको अच्छे से वॉश करेंगे, रिंस करेंगे एंड फिर एक कॉटन क्लॉथ से इसको ड्राई कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, क्योंकि ये
प्री सीजन था, इसलिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट या फिर कोई भी पॉलिश इस टाइप की चीज़ नहीं निकली है। कास्ट आयरन का कोई भी बर्तन डिश वॉशर में वॉश करना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि डिश वॉशर में जो डिटर्जेंट यूज़ होता है वो बहुत ही हार्श होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर कास्ट आयरन यूटेंसिल्स। सीजनिंग के लिए हम इसे गैस पे रखेंगे और उसके बाद इसे हम हीट करेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल की आप थोड़ी सी ड्रॉप्स लीजिए और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद आपको 3 to 4 minutes तक इस पैन को गर्म करना है और उसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे किसी भी कॉटन क्लॉथ से वाइप कर लीजिए और आपका कास्ट आयरन यूटेंसिल अच्छे से सीजन हो गया है यूज़ करने के लिए। ये सीजनिंग का प्रोसेस आप हर कास्ट आयरन के यूटेंसिल में कर सकते हैं। आप इसको जितनी बार भी यूज़ करें एंड अगर आप उसको वॉश कर रहे हैं तो आप ये करके देखिए, ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे आपके कास्ट आयरन में कभी भी रस्ट नहीं लगेगा और उसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जब भी मैं एक कास्ट आयरन का यूटेंसिल फर्स्ट टाइम यूज़ करती हूँ तो मैं ये छोटा सा प्रोसेस करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे, मैंने तिल का तेल लिया है। हम उसी गरम कास्ट आयरन पैन में इस ऑयल को डालेंगे। एक अनियन को छोटे छोटे चॉप करके उसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कास्ट आयरन एक मेटल ही होता है, एक अलॉय होता है, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ उसमें पकाएं आप उसे फेंक दीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट जो भी चीज़ आप पकाएंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अनियन में जो सल्फर होता है वो इसको सीजनिंग में भी हेल्प करता है, साथ ही एक हल्का सा नॉनस्टिक लेयर बन जाती है। देखिए, इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ी देर गैस पर इसको भुनने दीजिए और फिर इसके बाद हम इसे फेंक देंगे। अब कास्ट आयरन यूटेंसिल फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ये फ्राई पैन कैसे काम करता है। इस फ्राई पैन में हम दो चीज़ें बनाकर देखते हैं कि इसमें जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है और जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या बनाते हैं वो कैसे बनती है। जनरली फ्राई पैन का यूज़ हम डे टू डे लाइफ में टिक्की, कबाब या इस तरीके से जो भी चीज़ें हमें सियर करनी होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से भूनते हैं या ग्रिल करते हैं, तो उसके लिए ये फ्राई पैन बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसमें एक तो ऑयल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ रखी हो वो इक्वली भूनती है। अगर आपने कास्ट आयरन यूटेंसिल को अच्छे से सीजन कर लिया है तो ये एक बहुत ही अच्छा नॉनस्टिक बर्तन का सब्स्टिट्यूट है। इसमें सारे के सारे फ्लेवर्स भी रिटेन रहते हैं। ये आपके फूड में आयरन ऐड करता है, केमिकल फ्री होता है, नेचुरली नॉनस्टिक होता है, तो इस तरीके से कास्ट आयरन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, आप पलट के भी देखिए, एक सी सारी टिक्की पकी है, सिकी हैं और ये काम बहुत ही जल्दी भी हो गया है। बस एक बार आप कास्ट आयरन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर आपकी जो भी मील है वो बहुत ही जल्दी प्रिपेयर होती है। देखिए, बिल्कुल ये टिक्की वैसी ही बनी है जैसे कि एक किसी नॉनस्टिक बर्तन में बनती है। अब हम इसमें एक वेजिटेबल ऑमलेट बनाकर देखते हैं। जो इसका डिज़ाइन है वो ऑमलेट, चीला, उत्तपम, इस तरीके की चीज़ें बहुत इजीली बनाने में हेल्प करता है। देखिए, एक सा सारा पक गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके साइड्स भी पूरे पक गए हैं
और ये एक बार गर्म हो गया था तो इसमें जो भी मील बनाते हैं वो बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि कास्ट आयरन एक नेचुरली नॉन स्टिक अलॉय होता है, इसलिए आप देखिए डिश बनने के बाद इसमें कुछ भी नहीं लगा रह गया है और आपका बर्तन बिल्कुल क्लीन है। आप इसे वाइप करिए एंड ये रीयूज़ के लिए रेडी है। तो लीजिए, ये था रिव्यू प्रेस्टीज कास्ट आयरन फ्राइंग पैन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।